आज दिनांक 7 अप्रैल को हम खड़े हैं पन्ना जिले के ब्लॉक अजयगढ़ तहसील कुलियाना मोहल्ला में। तो यहाँ पर लोगों की समस्या है कि जिस प्रकार से कोरोना महामारी का दूसरा चरण शुरू हो गया है, वहीं देखा जाए तो साफ सफाई पर नहीं दिया जा रहा ध्यान। कुछ लोग पीछे खड़े हैं, इन लोगों से पूछते हैं किस प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा, किस प्रकार की गंदगी फैली हुई है। ये देखिए नाली, बताइए क्या नाम है दादी आपका? हमारा चबरानी। हाँ, तो किस प्रकार की समस्या है? ये नाली खुली पड़ी है, ऐसी नाली की ऐसी समस्या के गंध आ रही है, मच्छर काट रहे हैं और लड़का बच्चा खेल रहे हैं, तो वो इसमें और बीमारी भी होती है। अब साफ हो जाता कुछ ना होगा तो साफ कर जाते ही नहीं, इतने साल हो गए बने भी। कितने साल हो गए बने? साल भर हो गए, साल भर हो गए बन भी, वो गाड़ी आई नहीं है माँ से आ रहा है, जब लोग आ रहे हैं हमें तो हम क्या करें। इसमें किसकी गलती है आप मानती हैं? अब इसमें किसकी गलती, हमारी गलती तो यही नहीं है, उनकी गलती है। साफ जो कुछ करता है भैया, हम साफ कर जाए तो सफाई हो जाए तो जो मच्छर ना बढ़ जाती। और जो ये जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, तो कचरे की गाड़ी नहीं आती क्या इधर? नहीं आती है, नहीं आती है, आती है समय रुक रुक चली जाती है। हम ये इधर से आ जाए तो जो कचरा चल जावे, उधर से आती समय में चली जाती है बस। यहाँ पे कितने जनसंख्या होगी, कितने लोग निवास करते हैं लगभग? अभी 200-300 तो होंगे। हाँ बस इतना ही होंगे। हाँ 300, हाँ बताइए। हाँ क्या नाम है आपका? पूजा। तो किस प्रकार की समस्या है ये नाली से लेकर आपको? हमारे इधर जब से ये नाली बनी है एक दिन भी साफ नहीं हुई है, वो खाना खाते हैं घर के तो गंदगी तो हुई है, सो अंदर तक जाती है बदबू। क्या कर क्या करें, और कचरा वाली गाड़ी भी नहीं आती है। अब इतनी जगह आप कहाँ फेंक भी जाए? किस प्रकार की बीमारियाँ फैलती हैं ये क्या है बता दो? मच्छर काटते हैं और सो बीमारी होती है, कोरोना चल रहा है और होती है बीमारी। सब में है कि साफ करते हैं तो करते आते हैं क्या? अच्छे से। हाँ क्या नाम है आपका, थोड़ा बताइए। तो किस प्रकार की समस्या है नाली से लेकर आपको? सफाई कर बनी है उसको ऐसा कर देख दिया ना कछु जब दीपान पे बनेगा नाली से कोई आ रखनी है। कितने सालों से ये नाली बनी हुई है? 6 महीना से कम नहीं हो गई। 6 महीना में कितनी बार सफाई हुई है? आपने कभी नगर पालिका में कोई जो कोई आता है यहाँ तो उनसे बोला है? क्या कभी कोई अधिकारी यहाँ नहीं आते? किसी समय कोई तो समय ऐसा होगा कि कोई आता होगा? पहले यार जब 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 आते हैं कौन सा काम पड़ता है? जैसे वोट डालती हैं और कुछ भी है जब उनका काम होता है जब आते हैं, और झाड़ू वाली आती है तो नाली में लगा जाती है। उनसे बोलो जो हम साफ करते हैं नाली, हमसे न हमको जहाँ जगह मिलेगी वहीं पर करेंगे। कौन कहता है, नगर पालिका के कर्मचारी? नहीं, झाड़ू वाले। हाँ वही नगर पालिका की है, वो झाड़ नाली में फेंक जाते हैं, नाली में मत लगाओ, साफ करने नहीं आते हैं। भी कहते हैं कि हम तुम उनसे बोलो भी साफ कर भी आएंगे, वो भी नहीं आते। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि जिस तरह से कोरोना महामारी का दूसरा चरण स्टार्ट हो गया है, वही देखा जा रहा है कि मोहल्लों में और गांव में कितनी स्थितियाँ खराब हो गई हैं। लोगों का कहना है कि ये जो नालियाँ हैं करीबन 1 साल से बनी हुई हैं, इसके बावजूद भी यहाँ पर कोई सफाई नहीं हुई है, नालियों में कचरा भरा पड़ा है, जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये नाली है, खुली नाली पड़ी हुई है और मच्छर कीड़े इनसे जन्म लेते हैं, इसके बावजूद भी किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये देख सकते हैं कचरे के ढेर लगे हैं जगह जगह, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि यहाँ हमेशा खेलते रहते हैं, और आप देख सकते हैं कितने सारे बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। ये नाली
बंद नहीं है, जिससे बच्चों को कभी ना कभी कोई ना कोई खतरा हो जाता होगा, बच्चे गिर जाते हैं। इसके बावजूद भी शासन प्रशासन किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ समथिंग 15 से 20 बच्चे खड़े हैं, जो कि कंटिन्यू यहाँ पर निवास करने वाले लोगों के ही बच्चे हैं। और इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे ना तो कभी कचरे की गाड़ी आती है और ना ही कभी कोई अधिकारी आता है। हाँ, अगर कोई आता है तो चुनाव के टाइम पर आता है, जब लोगों का काम होता है, नेताओं का काम होता है, तभी लोग यहाँ पर आते हैं, नहीं तो कोई यहाँ नहीं आता है। अब ये जो मोहल्ला है, आदिवासी लोगों का मोहल्ला है, तो इनका कहना है कि यहाँ पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और एक तरफ कोरोना महामारी है क्या, और ये एक संकट, बहुत बड़ा संकट है कोरोना महामारी, और वैसे में दूसरी ओर सफाई ना होना ग्रामीण स्तर की बहुत बड़ा खतरा हो सकता है।